दोस्तों अक्षय कुमार ने पब्लिकली आकर लोगों से माफी मांगी है, आखिर क्यों? तो अभी ये वीडियो आप लोग देखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ डिटेल में कि कहानी क्या है और यहाँ तक ये चीज कैसे पहुंची। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। जैसे ही ऐड पब्लिक में आता है, तुरंत अक्षय कुमार साहब जो हैं, वो जो भी सोशल मीडिया हैंडल है वहां पर ट्रोल होने लगते हैं। उनकी पुरानी जो भी उनके द्वारा कई सारी ऐसी वीडियोस बनाई गई थी जिसमें उन्होंने सेहत पर ध्यान रखने की बात की थी, जैसे उसमें से ये एक पिक्चर आप लोगों को दिख रही है। इसमें यहां पर दिखाया गया कि पहले उन्होंने क्या बोला था और अब क्या बोल रहे हैं। कई सारे ऐड थे जो इनके द्वारा किए गए थे, जैसे कि बोलता ना कि ओए चंदू ये मत कर वो कर ले, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर अब वो चंदू सिगरेट मत पी, अब विमल पाल मसाला खा। तो ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में ऐसी पिक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसमें यहां तक बोल दिया गया कई सारे लोगों के द्वारा कि जो भी इन जो एक्टर्स हैं इनको जो अवार्ड मिले हुए हैं कि वो अवार्ड भी इनसे रिटर्न ले लेने चाहिए। आप लोग की क्या राय है, वो अवार्ड इनसे रिटर्न लेने चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में आप लोग बताएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग क्या सोचते हैं। पर लेकिन अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इतने बड़े बड़े जो ये खिलाड़ी हैं आज के डेट में, इतने बड़े बड़े जो एक्टर हैं, आखिर इनको ऐसे ऐड क्यों करने पड़ते हैं, आखिर इनकी क्या ऐसी जरूरत पड़ जाती है, तो वो बातें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये इशू क्या यहाँ से निकल कर चला, अभी यहाँ पर एक और वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। पहले आप लोग ये वीडियो सुनिए, उसके बाद में आप लोग चीजों को और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि 2018 में इनके द्वारा क्या बोला गया और 2022 में अभी यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। तो वो भी एक तरीके से काफी कॉन्ट्रेडिक्ट कर गई एक दूसरे के साथ में दोनों बातें, जिसकी वजह से ये और ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहे हैं आज की डेट में। सुनिए जरा एक बार। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। तो जैसे ही वो ऐड आया उसके बाद में ये जो वीडियो वायरल होने लगी, तो सब लोगों ने यहां पर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया अक्षय कुमार को कि कथनी और करनी में काफी ज्यादा फर्क यहां पर देखने को मिला। यानी कि पहले जो इनके रूल और रेगुलेशन थे, जो बातें इनके द्वारा बोली गई थी, उसके जस्ट ये अपोजिट चले गए। इवन आप लोग यहां पर, मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूं जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पिक्चर जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा वायरल हुई, वो आप लोग देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। इनके द्वारा खुद बोला गया था कि मेरे पास में जो भी पान मसाला के ऐड आते हैं मैं उनको रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें जो हैं जो कि पर्सनल हेल्थ को बर्बाद करती हैं, मैं उनको कैसे एक तरीके से एडवर्टाइज कर सकता हूँ, कैसे उनको एक तरीके से एंडोर्स कर सकता हूँ। तो इसके बारे में इन्होंने कई बार पहले भी बातें बोली हैं कि मैं इस तरीके के ऐड जो हैं वो कंप्लीटली यहाँ पर इग्नोर करता हूँ। और अभी यहां पर जब ये पूरा मुद्दा हो गया तो इनके द्वारा एक अपोलॉजिक लेटर लाया गया पब्लिक में, जिसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में आई है फिलहाल से ये बातें। आप लोग अगर इनके ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो देख सकते हैं 44.4 मिलियन फॉलोवर इनके आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहीं पर इनके द्वारा ये लेटर पोस्ट किया गया और लगभग 7 घंटे पहले इनके द्वारा ये पूरा लेटर पोस्ट किया गया। इनके द्वारा लोगों से, अपने फैंस से और जो इनके वेल विशर है उनसे माफी मांगी गई है। इनके द्वारा बोला गया कि जब से विमल पान मसाला का एड जो है वो पब्लिक में आया है तब से मुझे बहुत सारा हेट्रेट फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे से गुस्सा है काफी लार्ज स्केल पर। तो इसके चलते यहाँ पर जो विमल पान मसाला का जो ऐड था मैं उससे बेसिकली एक तरीके से बैकआउट करता हूँ। पर लेकिन जो एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है, जो अभी यहाँ पर एक तरीके से लीगल जो ड्यूरेशन है उस एग्रीमेंट की, जिसमें ये एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर बनकर गए थे, वो उस एड को तब तक यूज कर सकते हैं जब तक यहाँ पर उसकी बेसिकली टाइम ड्यूरेशन है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बोलेगी कि जो भी पैसे इनके द्वारा इस एड से कमाए गए हैं ये किसी अच्छे काम के लिए यूटिलाइज करेंगे। वो तो चलिए जो भी है वो अपनी जगह है, क्योंकि एक तरीके से वही बात हो गई कि जब लोगों ने आकर बोला तब जाकर तुम्हारी आंखें खुली, उससे पहले तुम्हारी समझ में नहीं आया। पर लेकिन यहाँ पर एक चीज आप लोग ये देख सकते हैं कि तीन इतने बड़े बड़े स्टार एक साथ में भी एक एड के अंदर में, तो वो भी एक पान बेचने वाली कंपनी, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर अभी मैं कुछ दिनों पहले एक शाहरुख खान का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसने बोला कि क्या कभी हम लोग तीनों खान को एक साथ में देख सकते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। तो शाहरुख खान के साथ द्वारा पता है क्या बात बोलेगी, कह रहा है कि
क्या किसी में इतनी औकात है एक तरीके से कि वो एक तीनों इतने बड़े बड़े स्टार को एक पर्टिकुलर मूवी में ले सकते हैं। और आप लोग यहां पर औकात देखिए एक पान मसाला बेचने वाली कंपनी की कि वो तीनों इतने बड़े बड़े स्टार को अपने एक एड में लेकर आ गए। तो इससे आप लोग क्या सीखने को मिलता है कि कितने ह्यूज लेवल पर यहां पर ये पान मसाला जो बेचने वाली कंपनी है ये पैसे कमा रही है, ये आप लोग देखते हैं। और खासकर ये आप लोगों को मैक्सिमम जो लोग जो इस तरीके के ये पान मसाला खाते हैं वो क्यों खाते हैं, उनको लगता है कि यार हमारे ये स्टार हैं जिनको आप लोग एक तरीके से नहीं आंखों में स्टार बनाकर रखते हैं कि हाँ इतने बड़े बड़े ये हीरो हैं और ये जब ऐसी चीजें ये खाते हैं तो हम भी खा लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब ऐड देखते हैं उनके माइंड पर देखो क्या इंपैक्ट पड़ता है, बोलो जुबा केसरी। मतलब एक तरीके से आप लोग समझ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाने वाले अगर उनको लत लगना स्टार्ट हो गई एक बार, ठीक है, जिनकी अभी जिनकी अभी एज भी नहीं है, आगे चलकर उनकी बॉडी पर क्या इंपैक्ट उस चीज का पड़ने वाला है, तो वो यहां से कंटिन्यूटी फिर होने लगती है। और समझिए जब एक छोटा सा बच्चा मान लीजिए उसकी एज जो है 10-15 साल है, ठीक है, उसने यहां पर ये बीड़ी सिगरेट गुटखा खाना स्टार्ट कर दिया, एक तरीके से ये इन कंपनी का पूरी लाइफ के लिए कस्टमर बन चुका है। समझ रहे हैं आप लोग ये बात यहां पर। आज अगर कोई खाना स्टार्ट करता है 15-20 साल की उम्र में, वो जब तक उसकी जो आखिरी सांस नहीं लेगा तब तक उसकी आदत इतनी गलत पड़ जाती है उसको छोड़ने वाला नहीं है। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो वो पूरी जिंदगी के लिए यहां पर इनका कस्टमर बन चुका है, पूरी जिंदगी यहां पर वो बेसिकली इसको खाएगा। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को काफी ज्यादा टारगेट कहते हैं, खासकर जो यंग उम्र रहती है, ताकि उनको अगर एक बार लत लगा दीजिए तो फिर ये बिजनेस जो है वो काफी अच्छा चलता है। इसलिए यार इन चीजों को कभी भी अगर आप लोगों को लगता है, देखिए आप लोगों को तो क्या ही बोलूं जब इतने बड़े बड़े एक्टर यहां पर हरकतें कर रहे हैं, पर हाँ फिर भी कम से कम आप लोग ये इतना काम करिए कि हाँ लोगों को इतना तो समझाइए कि ये जो एड आते हैं ये खुद भी ये यूज नहीं करते हैं जो आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा वो एड जो आता है बेसिकली आलिया भट्ट का, वो आइसक्रीम खा रही है, चॉकलेट खा रही है दबा दबा कर, और कुछ दिनों बाद आप लोगों ने रियलिटी देखी होगी कपिल शर्मा के शो में गई, उस बंदी ने एक बल्कि चाय पीने से मना कर दी कि उसमें चीनी पड़ी हुई है। समझ रहे हैं आप लोग किस लेवल पर ये बेसिकली आप लोगों के साथ में खेलते हैं और अपनी हेल्थ का कितने लार्ज स्केल पर ध्यान रखते हैं, और आप लोगों की हेल्थ जो है वो इनके सामने मायने नहीं रखती है। तो यहां से आप लोग सारी चीजों को एक तरीके से कोरिलेट करके देख सकते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कितना ज्यादा बेवकूफ यहां पर बनाया जाता है। अब अक्षय कुमार साहब को ले लीजिए, वैसे तो ऐसी ऐसी मूवी आती है जिसकी कोई हद नहीं है, देश के बारे में बातें करते हैं, पर लेकिन रियलिटी में यहां पर पैसों के लिए यहां पर इनके द्वारा जो ये काम अभी किया गया और उसके बाद में माफी मांग रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा था जब पहले ऑलरेडी ये मना कर चुके हैं, फिर से यहां पर ये एक तरीके से करने के बाद में माफी मांग रहे हैं, तो इनको ये एक्सपेक्ट नहीं था कि जनता जो है इस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग अपनी भी गलती समझिए, हम लोग खुद यहां पर ये गलती कर रहे हैं कि ऐसी चीजें आती हैं हम लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, कभी भी आए दबाकर उनको डिसलाइक करिए, दबाकर ऐसी चीजों को रिपोर्ट कीजिए ताकि ऐसी चीजें चले ही ना, खुद ये छोड़ दें काम करना। ये क्यों कर पाते हैं काम, क्योंकि हम लोग उनको देखते हैं, मूवीज इनकी क्यों चलती है, हम लोग जाकर थिएटर में बैठकर देखते हैं। अभी साउथ इंडिया की मूवी देखना स्टार्ट कर दिए, अब इनकी आगे खुलना स्टार्ट होगी, पहले साउथ इंडिया की कॉपी मार रहे थे आराम से। तो कंडीशन यहां पर यह है अगर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए, हमारी वजह से ये है, ठीक है, हम नहीं है इनकी वजह से। तो इसलिए हमेशा हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड बातें हो, कोई गलत चीजें चल रही है सोसाइटी में, हम लोग को हमेशा उनको रोकना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब अपनी आंखें मूंद लेते हैं तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, क्या इस तरीके से आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बीइंग ए एसएलवी फैमिली मेंबर, एक अच्छे शब्द का यूज कीजिएगा, किसी को गाली गलौज नहीं करना है, अपनी राय बस आप लोग लिख सकते हैं कि कैसे इन चीजों को रोका जाए, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों की सेहत पर भी इंपैक्ट काफी ज्यादा पड़ता है और हेल्थ का इतना ज्यादा इशू बन जाता है जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आप लोगों को कुछ नई बातें जानने को मिली होगी और ये ऐसी अवेयरनेस की चीजें जो आप लोगों को दूसरों तक भी पहुंचानी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।